हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट विन फैंटेसी पर। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप देख रहे हैं नाटमेक वॉरियर्स वर्सेस सीनामम पेसर्स के बीच जो आज ड्रीम इलेवन स्पाइस आईसीएल टी10 का मैच खेला जाने वाला है शाम को 7 बजे। उस मैच के सारे पिच रिपोर्ट, प्लेयर्स रिव्यू, साथ में फुल स्टैट्स एनालिसिस, सारे बातें हम करेंगे इस वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको फाइनल टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जो जो मैचेस हम खेलते हैं और सारे मतलब जो न्यूजेस आते हैं, जो अपडेट्स आते हैं, तो सारे हम टेलीग्राम पर ही डालते हैं। तो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना मतलब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप जाइए टेलीग्राम पर, सर्च कीजिए @TargetWinFantasy, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक लेके वहाँ से भी आराम से ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी चलिए वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर ग्रेनाडा के ऊपर, ग्रेनाडा जो नेशनल स्टेडियम है, यहाँ पर सारे मैच खेला जाएगा। यहाँ पर वेदर रिपोर्ट की बात करें, क्लाउडी वेदर रहने वाले हैं हमेशा की तरफ। तो यहाँ पर कभी कभी बारिश भी आ सकते हैं, मैच अबंडमेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको टॉस से पहले न्यूज पर, वेदर रिपोर्ट और न्यूज पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से मतलब जो जो रिपोर्ट्स हम देते हैं वो कलेक्ट कीजिए। अगर मैच में कोई मतलब कोई भी अपडेट्स आए तो वो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। यहाँ पर जो इस पिच पर जो मतलब चेजिंग और नॉन चेजिंग की जो न्यूजेस है, मतलब अपडेट्स है, अभी इस साल चेस हो रहा है, लेकिन इस साल से पहले जो सीजन हुआ था वहाँ पर ज़्यादा चेस नहीं होते थे। ज़्यादातर की जो पहले बैटिंग करते थे वही जीत जाते थे। लास्ट 40 मैचेस पर 28 मैचेस जो पहले बैटिंग की वो जीत गया था, मतलब हमने पिछला सीजन की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इस सीजन क्या हो रहा है कि जो जो टीम ने चेजिंग करा है वही जीत रहा है। तो इसलिए यहाँ पर टॉस को आपको ध्यान में रख के टीम बनाना पड़ेगा। अभी चलते हैं टीम्स की तरफ। यहाँ पर पिच रिपोर्ट तो आप सभी लोग पता है, यहाँ पर हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और साथ में विकेट्स भी यहाँ पर गिरते हैं। तो इसलिए आपको कंबाइन करके टीम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर विकेट कीपरिंग सेक्शन में आपको मिल जाएंगे बी ओएबेल और सीपी की तरफ से जे हेजल को। तो जे हेजल आपके लिए एक डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाएंगे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इनको 92% लोगों ने पिक करके रखा है। चलते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ। तो यहाँ से हमारे टीम पर रहेंगे आंद्रे फ्लेचर, एथन एच, एस रेस और डी मलोनी। फिलहाल हमारे लिए ये 4 ऑप्शन रहेंगे। आप चाहे तो यहाँ से रिस्क लेकर यहाँ पर टी कैरमचेल के साथ भी जा सकते हो, या पर ए सी ऑन के साथ भी जा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर स्मॉल लीग पर सेफ प्लेयर्स को लेना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर ऑलराउंडर में एम नारिन, ए एलेक्सिस और ए जोसेफ, तो ये 3 प्लेयर्स हमारे रहेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सी चार्ल्स को भी ले सकते हो, के कोटॉय अगर खेले तो आपके लिए डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाएंगे, क्योंकि ये कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ से आपको पॉइंट्स देंगे। चलते हैं बोला सेक्शन की तरफ। यहाँ से आपके लिए डी साइरस है मस्ट पिक, एच जैक्सन और सीपी की तरफ से यहाँ पर है जे टेलर। तो फिलहाल हमारे टीम पर ये 3 बॉलर रहेंगे। आप चाहे तो यहाँ से ए मोजेस को भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर डी थॉमस है, ये भी 2-2 ओवर करके डाल रहा है, लेकिन ये मतलब उतना अच्छा फॉर्म पर नहीं है। और आई साइमन की बात करें, ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन जाएगा अगर खेले तो। अभी देख लेते हैं यहाँ पर सेफ कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ऑप्शन क्या रहेंगे। यहाँ पर आंद्रे फ्लेचर जो कि है एकदम सेफ कैप्टन है आपके लिए। आप देखिए यहाँ पर 63% लोगों ने इनको कैप्टन बना के रखा है। साथ में यहाँ पर वाइस कैप्टनसी की ऑप्शन बात करें, यहाँ से आपको मिल जाएंगे डी साइरस, जो कि पहले मैच से ही एक आपके लिए क्या बोलते हैं कॉन्सिस्टेंसी के साथ पॉइंट्स देते हुए आ रहा है। तो इसलिए फिलहाल हमारे टीम पर कैप्टन रहेंगे आंद्रे फ्लेचर और वाइस कैप्टन रहेंगे डी साइरस। नहीं तो आप चाहे तो यहाँ पर एम नारिन को ट्राई कर सकते हो, पिछला सीजन अच्छे परफॉर्मेंस किया। एस जोसेफ है, डी मलोनी भी है अपने टीम की तरफ से ओपनिंग करेंगे, और यहाँ पर एच जैक्सन, ये भी कंसिस्टेंट के साथ थोड़ा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इसलिए ये प्लेयर्स भी आपके लिए स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग दोनों में से अच्छा रहेंगे। तो ग्रैंड लीग की बात करूँ कि आप अगर 20 टीम बना रहे हो तो वहाँ पर 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट कीजिए, फिर कैप्टन वाइस कैप्टन एक बनाइए, उसके बाद एक सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाइए, उसके बाद जो 1 या 2 प्लेयर्स हैं उनको रोटेशन में रखिए। ऐसा करके 20 टीम बनाकर ग्रैंड लीग ज्वाइन कीजिए। और स्मॉल लीग की बात करें, स्मॉल लीग तो हमने आपको बता ही दिया सारे के सारे कि कौन कौन से प्लेयर आपके लिए सेफ ऑप्शन पर है, कौन कौन से आपके लिए रिस्क ऑप्शन पर है। तो आप जाइए ज़्यादा सेफ ऑप्शन पे ही जाइए। अगर आप 4 मेंबर खेल रहे हैं तो वहाँ पर एक रिस्क आप ले सकते हो, लेकिन 2-3 मेंबर में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको,
मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन स्वाइप कर सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा रिस्क लेना आपके लिए बेहतर नहीं होगा, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ जाने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो अभी चलते हैं, टीम को सेव कर देता हूँ, एक बार आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से आपके लिए 6000 है, आंध्र फ्लेचर है, एथनेच, डी मलोनी, एस रेइस, एम नरिन, एस जोसेफ, ए एलेक्सिस, डी साइरस, एच जैक्सन और जे टेलर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ में सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहना। एक अच्छा सा टीम बनाओ और बहुत विनिंग करो। थैंक यू सो मच।